स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विस्कार मैजिक हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 9 और 10 के इतिहास और राजनीति विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सीरीज को। इसमें मैंने हर अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जिनके परीक्षा में आने की अधिक से अधिक संभावना है। और आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हमें जरूर भेजें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? चार विकल्प हैं, क स्पेन, ख अमेरिका, ग जर्मनी और घ इंग्लैंड। और इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है वह है स्पेन। आप जरा इसकी व्याख्या सुन लें। इसाबेला स्पेन की महारानी थी जिसने भौगोलिक खोजों को काफी प्रोत्साहन दिया था। दूसरा प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? चार विकल्प हैं, क वास्को डी गामा, ख कोलंबस, ग बार्थोलोमियो डियाज और घ मैगेलन। और इन चार विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है वह है बार्थोलोमियो डियाज। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? क बोस्टन टी पार्टी, ख पेरिस की संधि, ग स्टाम्प एक्ट और घ क्यूबिक एक्ट। और इसका सही विकल्प है क बोस्टन टी पार्टी। इसकी व्याख्या आप सुन लें। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया था जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया और इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, कॉमन सेंस किसकी रचना है? क लफायते, ख वाशिंगटन, ग जेफरसन और घ थॉमस पेन। और इसका सही विकल्प है घ थॉमस पेन। थॉमस पेन ने 1776 ईस्वी में एक लघु पत्रिका कॉमन सेंस को प्रकाशित किया। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? क रूसो, ख जॉन लॉक, ग रोबेस्पियरे और घ दिद्रो। और इसका सही उत्तर है ग रोबेस्पियरे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क 14 जुलाई, ख 4 जुलाई, ग 27 अगस्त, घ 31 जुलाई। और इसका सही उत्तर है 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया था। बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे घेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बैस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। अतः फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क लॉयड जॉर्ज, ख वुड्रो विल्सन, ग विंस्टन चर्चिल और घ वाशिंगटन। और इसका सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों में लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रसंघ की स्थापना का भी एक प्रस्ताव था। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? क सेंट जर्मेन की संधि, ख वर्साय की संधि, ग न्यूली की संधि और घ पेरिस की संधि। और इसका सही विकल्प है ख वर्साय की संधि को कहा जाता है आरोपित संधि। इस संधि में जर्मनी को मजबूर किया गया था संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए।
और यह भी कहा जाता है कि वर्षाय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे, क्योंकि इसकी शर्तों को जबरदस्ती मानने के लिए बाध्य किया गया परास्त देशों को, विशेषकर जर्मनी को। अगला प्रश्न है, हिटलर ने आर्थिक सुधारों के लिए किसे अपना अर्थ मंत्री नियुक्त किया? क हिल्मर को, घ गोबुल्स को, ग गोसरिंग को और घ हयाल्मर शाख्त को। और इसका सही उत्तर है घ हयाल्मर शाख्त को हिटलर ने अपना अर्थ मंत्री नियुक्त किया, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? क राजतंत्र के समर्थकों को, ख गणतंत्र के समर्थकों को, ग ईसाइयों को, घ समाजवादियों को। और इसका सही उत्तर है ख गणतंत्र के समर्थकों को कहा गया था, नवंबर क्रिमिनल्स। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या सुन लें। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय हुई तो जो विजयी राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी को मेन दोषी ठहराया, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक संधि की गई, जिस संधि के शर्तों पर हस्ताक्षर जर्मनी में करना था। जर्मनी के शासक ने रिजाइन कर दिया था और जर्मनी में एक गणतंत्र की स्थापना की गई थी, और उस गणतंत्र के जो समर्थक थे, जो गणतंत्र के लोग थे, वही गए हस्ताक्षर करने के लिए वर्साय की संधि पर। और जब उन्होंने अपमानजनक संधि को स्वीकार कर लिया और वापस लौट करके आए, तो चूंकि यह संधि नवंबर में हुई थी इसलिए इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कह के संबोधित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम आदिवासियों द्वारा अनजान व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था? क वन्य पुरुष, ख दीकू, ग वन्य जाति, घ जनजाति। और सही उत्तर है ख दीकू। संथाल जनजाति जो थी वह गैर आदिवासी लोगों को दीकू कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? क चेरों में, ख कंध में, ग गोंड में और घ कोल में। और इसका सही विकल्प है कंध जो जनजाति थी, इसी में यह मरियाह प्रथा प्रचलित थी। यह कंध जनजाति जो थी यह उड़ीसा में रहती थी, और कंध आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए मरियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिश्नोई नामक नेता ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? क लेबनान, ख फिलिस्तीन, ग तुर्की, घ सीरिया। और इसका सही उत्तर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का विभाजन करके 14 मई 1948 ईस्वी को एक नए राष्ट्र के रूप में इजराइल का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, वुड्रो विल्सन कौन थे? क अमेरिका के राष्ट्रपति, ख इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ग जर्मनी के चांसलर और घ फ्रांस के राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर है कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 14 सूत्र दिए थे पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान। अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? क पूर्व पाषाण काल, ख नव पाषाण काल, ग उत्तर पाषाण काल और घ धातु प्रस्तर युग। और इसका सही उत्तर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ शुरू हुआ था। हड़प्पा के किस शहर से जलाशय का प्रमाण मिला है? क धौलावीरा, ख मोहनजोदड़ो, ग लोथल, घ रंगपुर। और इसका सही उत्तर है ख मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त होता है और इसमें जलाशय के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क गैस्टिन की संधि, ख प्राग की संधि, ग फ्रैंकफर्ट की संधि, घ डेनमार्क की संधि। और सही उत्तर है ग फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि जो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी, जिसमें प्रशा और फ्रांस के बीच शांति समझौता हुआ और इस तरह से सेरॉन युद्ध का अंत भी हुआ, और इस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? क लेनिन ने, ख केरेंस्की ने, ग टटस्की ने और घ स्टालिन ने।
और इसका सही उत्तर है क, लेनिन ने। लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस में एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत की और इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क धार्मिक, ख क्रांतिकारी, ग साम्राज्यवादी समर्थक और घ क्रांतिकारी धार्मिक। और इसका सही विकल्प है घ क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का यह आंदोलन था। हुआ हुआ वास्तव में एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे ये, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? चार विकल्प हैं, क आगा खान, ख मोहम्मद अली जिन्ना, ग सर सैयद अहमद खान और घ खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में थोड़ी व्याख्या सुन लें आप। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? क बेसिमर ने, ख थॉमस बेल ने, ग हम्फ्री डेवी ने और घ अब्राहम डर्बी ने। और इसका सही उत्तर है अब्राहम डर्बी ने। अब्राहम डर्बी ने ही लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में औद्योगिक क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिली। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था? क जेम्स प्रथम ने, ख चार्ल्स प्रथम ने, ग जेम्स द्वितीय ने और घ चार्ल्स द्वितीय ने। और इसका सही उत्तर है घ चार्ल्स द्वितीय ने। जरा सा इसकी व्याख्या सुन लें। जिस मुंबई को दुनिया भर में हिंदुस्तान के आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, आज से करीब करीब 350 साल पहले उसी मुंबई को पुर्तगाली शासकों ने ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की कैथरीन डी ब्रगंजा से हुई शादी के दौरान दहेज में दिया था। दहेज के रूप में मिली मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और इसके बदले में कंपनी ने उन्हें 50,000 पाउंड की राशि को 6% की ब्याज दर पर लोन के रूप में दे दिया। इसके अलावा मुंबई के किराए के रूप में ब्रिटिश शासक को हर साल 10 पाउंड की राशि देने की शर्त रखी गई थी। 27 मार्च 1668 ईस्वी को चार्ल्स ने मुंबई का सारा स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, जिसे किराए के रूप में हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 10 पाउंड की राशि को जमा करने की शर्त रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? क भारत का, ख ब्रिटेन का, ग अमेरिका का, घ चीन का। और इसका सही विकल्प है ख ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? क बंगला में, ख हिंदी में, ग गुजराती में, घ अंग्रेजी में। और इसका सही विकल्प है क बंगला में। आप थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जान लें। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित किया गया एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? क जॉन एडम्स ने, ख जेम्स सिल्क बर्किंघम ने, ग जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने और घ विलियम बोल्ट्स ने। और इसका सही विकल्प है विलियम बोल्ट्स ने, क्योंकि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके कार्यों से नाखुश होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। हिक्की को भी कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी, इसलिए हमारा यहाँ जो सही विकल्प है वह है विलियम बोल्ट्स। यहाँ से हमारा राजनीति विज्ञान का भाग शुरू होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे सही है या सही नहीं है,
इस पे विशेष ध्यान देंगे आप, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन में उत्तर गलत लिख दें आप। पहला ऑप्शन है क, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। ग, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को अनुशासन करने का अधिकार होता है। और घ, लोकतंत्र में लोगों को विरोध जताने का अधिकार नहीं होता है। और इसमें जो सबसे सही उत्तर है वह है लोकतंत्र में लोगों को विरोध जताने का अधिकार नहीं होता। यहां आप ध्यान देंगे कि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें आम जनता को विरोध जताने का अधिकार होता है, और यहां दिया अधिकार नहीं होता, इसलिए उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोलिडरिटी किस वर्ग का शासन होता है? क, व्यवसायिक वर्ग का, ख, पूंजीपति वर्ग का, ग, राजनीतिक समुदाय का, और घ, मजदूर वर्ग का। और यहाँ सबसे सही उत्तर है वह है घ, मजदूर वर्ग का। क्यों? आप इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी व्याख्या समझ लें। पोलैंड में लेक वेलेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया था। यह समझौता गडांस्क संधि कहलाई। इस संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई, और इस मजदूर संगठन का नाम था सोलिडरनोस्क, अर्थात सोलिडरिटी। सोलिडरिटी के रूप में पहली बार के साम्यवादी शासन वाले देश में किसी मजदूर संगठन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? क, लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ख, यह व्यवस्था टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। ग, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। और घ, यह लोगों के व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ाती है। और इसमें सबसे सही विकल्प वह है ग, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यह बिल्कुल गलत है लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें सरकार लोगों के प्रति स्पष्ट रूप से उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क, 9 दिसंबर 1945, ख, 9 दिसंबर 1946, ग, 9 दिसंबर 1947, और घ, 26 नवंबर 1949। और जो विकल्प सबसे सही है वह है विकल्प नंबर ख, 9 दिसंबर 1946। याद रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा के निर्माण की मांग की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, घ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो सबसे सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर ग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस समय सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 4 विकल्प हैं, राष्ट्रपति, ख, प्रधानमंत्री, ग, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और घ, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर क, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र सीमा तक होता है, जो पहले हो वह लागू होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? ये हमारा अगला प्रश्न है। इसके 4 विकल्प हैं, क, 1950 ईस्वी में, ख, 1951 ईस्वी में, ग, 1952 ईस्वी में, और घ, 1953 ईस्वी में। और इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर ग, 1952 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा व्यापक जाने आप, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी करीब करीब 4 महीने यह चुनाव प्रक्रिया चली।
और इस चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे पहला वोट पड़ा वह पड़ा 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? क मीरा कुमार, ख शीला दीक्षित, ग नजमा हेपतुल्ला, घ सुषमा स्वराज। और इसका सही विकल्प है क मीरा कुमार, भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थीं और वे 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से जीत करके आई थीं और वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर चुनी गई 3 जून 2009 ईस्वी को और उनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? क प्रधानमंत्री, ख राष्ट्रपति, ग मुख्य न्यायाधीश और घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही भारत में राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में दिया गया है, आपातकालीन शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय संकट की घोषणा जो होती है वह आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। युद्ध, वाय आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है? क राजनीतिक अधिकार, ख सामाजिक अधिकार, ग मौलिक अधिकार, घ वैधानिक अधिकार। और सबसे सही उत्तर है वह है ग मौलिक अधिकार। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बगैर एक व्यक्ति का भरपूर विकास होना असंभव हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? क समता का अधिकार, ख संपत्ति का अधिकार, ग स्वतंत्रता का अधिकार और घ जीवन का अधिकार। और इन सभी में जो सबसे सही उत्तर है वह है संपत्ति का अधिकार। अब जरा आप इसकी व्याख्या सुन लें। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और अगर इसका हनन हो तब आप अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? क जवाहरलाल नेहरू, ख महात्मा गांधी, ग भीमराव अंबेडकर और घ सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही उत्तर है ग भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर साहब ने कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? क हिंदी, ख तमिल, ग सिंहली और घ फ्रेंच। और सही उत्तर है ग सिंहली। सिंहली श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है जो यहाँ के 74% लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? क भारत, घ दक्षिण अफ्रीका, ग बेल्जियम और घ नेपाल। और जो सही विकल्प है वह है ग बेल्जियम। बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी साझेदारी विकसित की गई जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बन गई। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा भारत में सरकार के तीसरे स्तर का निर्माण किया गया? क 71वां, ख 73वां, ग 59वां और घ 64वां। और इसमें सबसे सही विकल्प क्या है? 73वां। याद रखेंगे कि 25 अप्रैल 1993 से संविधान का 73वां संशोधन लागू हो गया और इस संशोधन के द्वारा सरकार के तीसरे स्तर के निर्माण की बात की गई थी। इसी क्रम में आप ये भी जान लें कि 73वां संशोधन था भारत के गांवों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जबकि इसके बाद जो 74वां संशोधन हुआ वह संशोधन भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? क फ्रांस में, ख भारत में, ग ब्रिटेन में, घ अमेरिका में।
और इसका सही उत्तर है ग, ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। यहाँ 1688 ईस्वी में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ह्विग और टोरी नामक दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, जो बाद में ह्विग उदार दल एवं टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन देता है? क प्रधानमंत्री सचिवालय, ख राष्ट्रपति सचिवालय, ग संसद, घ निर्वाचन आयोग। और इसका उत्तर है घ निर्वाचन आयोग। इसी का काम होता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता दे कि वह राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है और उनका चुनाव चिन्ह क्या है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? क जनता के प्रति, ख संसद के प्रति, ग मंत्री परिषद के प्रति और घ प्रधानमंत्री के प्रति। और इसका सही उत्तर है क जनता के प्रति होती उत्तरदायी लोकतंत्र में सरकारें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मिल नहीं खाता है? क विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, ख समानता का पोषक, ग बहुसंख्यकों का शासन और घ व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। और इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वह है ग बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र में एक बात ध्यान से समझेंगे आप कि लोकतंत्र में मेजोरिटी पार्टी शासन करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं इस देश में उन लोगों का शासन अल्पसंख्यकों पर होगा। बहुसंख्यक जो होते हैं या जो अल्पसंख्यक होते हैं, सबके मतदान के बाद जो पार्टी मेजोरिटी लाती है, जिस पार्टी को अधिक से अधिक जनमत मिलता है, वही पार्टी सरकार बनाती है। यह बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, बल्कि यह जनता का शासन है, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को समान अवसर दिया जाता है। इसलिए यह विकल्प नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? क ब्रिटेन, ख चीन, ग अमेरिका, घ भारत। और इसका सही उत्तर है घ भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? क 1965 ईस्वी में, ख 1961 ईस्वी में, ग 1971 ईस्वी में और घ 1981 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ग 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट यानी मताधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में लोकतंत्र को माओवादियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क पोलैंड, ख ईरान, ग नेपाल, घ बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है ग नेपाल में। नेपाल में लोकतंत्र को माओवादियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है? क 6, ख 7, ग 8, घ 9। और इसमें सबसे विकल्प है वह है ख 7। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? क प्रखंड विकास पदाधिकारी, ख प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और घ थाना प्रभारी। और इसमें सही विकल्प है क प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है वही होता है पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। अंतिम प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? क नगर प्रधान, ख आयुक्त, ग अध्यक्ष और घ नगर आयुक्त। और इसका सही उत्तर है घ नगर आयुक्त। नगर आयुक्त जो होता है वह नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है एवं नगर निगम के सभी कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करता है। ध्यान रखेंगे कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। हो सकता है आपके मन में यह कहीं बात आए कि नगर आयुक्त न हो करके आपके दिमाग में अगर महापौर या उप महापौर का नाम आए तो आपके भ्रम को मैं दूर कर देता हूँ कि महापौर या उप महापौर जो होते हैं वह सभापति होते हैं और नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जबकि नगर निगम का जो मुख्य होता है प्रशासक वह होता है नगर आयुक्त।
तो यह हमारे प्रश्नों का संग्रह रहा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।